लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम बींग अ ह्यूमन बींग अपनी लाइफ में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं और उन गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करके हमारी कोई नीड फुलफ़िल होती है हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें हैप्पीनेस मिलती है हमें प्लेजर मिलता है लेकिन अगर एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर किसी एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूनिट आपको जो है कंज्यूम करने के लिए दे दिए जाएँ तो कहीं ना कहीं जो आपको उस प्रोडक्ट से कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है जो हैप्पीनेस मिलती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी अब सपोज के कि एक ही मूवी है वही मूवी हम आपको जो है पहली बार दिखाएं तो आपको अच्छा लगेगा वही मूवी हम आधे घंटे बाद फिर जो है आपको दोबारा से दिखाएं हो सकता है थोड़ा फिर से आपको अच्छा लगे लेकिन वही मूवी आधे घंटे बाद फिर तीसरी बार आपको दिखाएं तो आपको जो उतनी हैप्पीनेस है जो सेटिस्फैक्शन मिली थी पहली बार देख के उतनी आपको नहीं मिलेगी सपोज कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी और आपको जो है सैंडविचेस दे दिया जाता है खाने को सपोज यू आर वेरी हंग्री एंड यू गेट सैंडविचेज टू ईट तो जो पहली यूनिट आप जो पहला पीस खाकर जो आपको भूख मिटेगी जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपको जो है ज़्यादा होगा द सेटिस्फैक्शन विच यू ड्राइव from the फर्स्ट पीस ऑफ सैंडविच वुड बी द मैक्सिमम बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ योर हंगर वॉज द हाइएस्ट यानी कि आपको बहुत तेज भूख लगी थी और आपको जैसे ही सैंडविच दे दिया जाता है तो जो आप पहला पीस खाओगे उससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहीं पे जब आपको दूसरा पीस दे दिया जाता है वन यूड द सेकेंड पीस यू डिराइव अ लोअर सेटिस्फैक्शन बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ योर हंगर इज रिड्यूस ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ वन पीस ऑफ सैंडविच तो अब आपने जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने जो है अभी एक पीस खाया है और तुरंत आपको जो है दूसरा पीस दे दिया जाए तो अब दूसरे पीस से आपको पहले वाले पीस पे खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिला था उतनी सेटिस्फैक्शन दूसरे वाले पीस पे खाने पे नहीं मिलेगी मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितना पहले पीस पे खाया था अब वहीं पे उसी टाइम पीरियड में आपने दूसरा पीस खत्म कर लिया आपको जो है तीसरा पीस दे दिया जाता है एज यू गो ऑन ईटिंग मोर एंड मोर सैंडविचेज द इंटेंसिटी ऑफ योर हंगर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड देयर फॉर द सेटिस्फैक्शन विच यू डिराइव फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग तो जैसे जैसे आपको जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज कर दिया जाता है तो आपका जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो क्या होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है आप नॉर्मली अपने लाइफ में देखते भी होंगे आप खुद सोचिए कि आप सपोज करिए आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है तो आप एक पीस खाएंगे अच्छा लगेगा दूसरा पीस खाएंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा तीसरे चौथा पीस खाएंगे पांचों पीस खाएंगे तो आपका जो कहीं ना कहीं मन जो है वो भर जाता है कहते ना कि अब मन भर गया अब नहीं खाना है तो वही चीज होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जो आप यूटिलिटी डिराइव कहते हो एक और एक्स्ट्रा यूनिट खाने से वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है यहीं से जो है कॉन्सेप्ट आया किस चीज का लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का दिस फिन इज जनरलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरी लॉ ऑफ डिम्रेसिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिम्रेसिंग कंजन ऑफ अदर कॉमोडिटीज कॉन्स्टेंट यानी कि बाकी गुड्स को जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको कॉन्स्टेंट रख दे तो अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के अलग, अलग अलग यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाओगे उस कॉमोडिटी का वैसे वैसे अलग अलग यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी जो वो डिक्रीज होती जाएगी यानी कि पहला सैंडविच खाया तो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी दूसरा सैंडविच खाया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी खाया तो उसकी से और कम होगी तो फोर्थ की थर्ड से कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के तो एज वी कंज्यूम मोर ऑफ एन आइटम द अमाउंट ऑफ डिक्लाइन i अब हम लॉ ऑफ़ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को इस टेबल से समझते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको जो है राइट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्वांटिटी दिया गया है देन टोटल यूटिलिटी दिया गया है देन तो, राइट साइड में मार्जिनल यूटिलिटी है तो क्वांटिटी यानी कि आप कितना किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो पहली यूनिट कंज्यूम की सेकेंड यूनिट कंज्यूम की थर्ड यूनिट कंज्यूम की फोर्थ यूनिट कंज्यूम की उसके सामने टोटल यूटिलिटी यानी कि आपने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके कितना यूटिल्स डिराइव किया टोटल यूटिलिटी कितना डिराइव किया ट्वेंटी सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो थर्टी थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो फोर्टी फाइव फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो फिफ्टी फिफ्थ पे फिफ्टी सिक्स यूनिट कंज्यूम किया तो फोर्टी फाइव और सेवन्थ कंज्यूम किया तो थर्टी फाइव यूटिलिटी आपने ड्राइव की क्लियर अब इसी के सामने आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं सपोज कि आपको जो है सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी तो आप क्या करोगे सेकेंड यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से माइनस कर दोगे फर्स्ट यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी यानी कि थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी कर दोगे आपको जो है सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी अब यहां पर देखिए पहला जो जीरो है तो जीरो यूनिट आपने कंज्यूम किया तो यूटिलिटी जीरो होगी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी जीरो होगी अब आपने जो है पहला यूनिट कंज्यूम किया फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो कितने मिली ट्वेंटी अब ट्वेंटी है अब इसका मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है तो ट्वेंटी माइनस प्रीवियस वाला तो प्रीवियस वाला क्या है जीरो तो ट्वेंटी माइनस जीरो यानी कि ट्वेंटी तो हर बार जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो जो फर्स्ट यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी होगी वही जो है मार्जिनल यूटिलिटी भी होगी फर्स्ट यूनिट की क्योंकि वहां पर सेम होगा अब जैसे

फिफ्टी यूटिलिटी अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा प्रीवियस वाला फोर्टी फाइव है और ये फिफ्टी है यानी कि फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव फाइव तो फाइव मार्जिनल यूटिलिटी हुई फोर्थ यूनिट के तो और डिक्रीज हो गया वहीं पे फिफ्थ जैसे ही फिफ्थ ये यूनिट कंज्यूम करते हो तो फिफ्थ यूनिट और फोर्थ यूनिट दोनों में ही यूटिलिटी कितनी थी फिफ्टी तो फिफ्टी माइनस फिफ्टी जीरो हो जाएगा यानी कि फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करते ही अब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया यानी कि अब कोई आपको एक्स्ट्रा सेटिसफेक्शन नहीं मिल रहा है और यहीं से फिर क्या होता है जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव में चली जाती है

वो क्या है वो डिक्रीज़ हो रही होती है बल्कि निगेटिव में चली जाती है तो ये क्या है पहले डिक्लाइन करेगी देन ज़ीरो होगा और देन निगेटिव हो जाएगा कौन सी चीज़ मार्जिनल यूटिलिटी तो आप यहाँ पे इसको ग्राफ के तौर पे समझ सकते हैं तो आप यह ग्राफ देख रहे होंगे तो ग्राफ में क्या है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है पहले स्टार्ट में इंक्रीज करेगी मार्जिनल यूटिलिटी जब तक डिक्रीज़ कर रही है तब तक टोटल यूटिलिटी क्या है वो इंक्रीज uh, कर रही होगी वहीं पे जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे पहुंचता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे है और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाने लगता है तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन फेज में आ जाती है तो लॉ ऑफ डिमिनिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि हर एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो मार्जिनल uh, यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है डिक्लाइन होती जाती है और फिर एक फेज़ आएगा जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी दैट इज़ लॉ ऑफ डिमनिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि एडिशनल एज वी कंज्यूम मोर ऑफ एन आइटम द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस बाई ईच एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड्स डिक्लाइन क्लियर तो यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन देखने को मिल गए होंगे क्या कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है जब तक जो है मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही जीरो पे जाता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और वहीं पे जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है क्लियर अब जो है हम इसके एजम्पन्स बात कर लें तो एजम्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमनिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो यहाँ पे जो है टोटल फाइव इंपॉर्टेंट एजम्पन्स हैं पहला फर्स्ट द यूनिट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स मस्ट बी स्टैंडर्ड यानी कि जो भी आप कंज्यूमर को गुड्स दे रहे हो कंज्यूम करने के लिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए यानी कि एक कप चाय है या एक बोतल पानी है तो आपको उस तरीके से एक स्टैंडर्ड गुड वहाँ पे देना है ठीक है यानी कि आपने पहले उसको रसगुल्ला खिला दिया पहला यूनिट दूसरा यूनिट जो है आपने कोई इसको दूसरा मिठाई खिला दिया तीसरा यूनिट जो है आपको खिलाना है तो आपने उसको कोई और चीज़ खिला दी तो ऐसे नहीं बर्गर खिला रहे हैं तो बर्गर ही खिलाइए पिज्जा खिला रहे हैं तो पिज्जा ही खिलाइए सेकंड यहाँ पे एजेंशन क्या है कि कंजें कंज्यूमर्स टेस्ट और प्रेफरेंस मस्ट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पन यानी कि जब वो कंजप्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए सेकेंड जो यहाँ पे ये यह जो है अजम्पशन है वहीं पे थर्ड अजम्पशन क्या है कि देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन एंड व्हेन ब्रेक इन कंटिन्यूटी इज नेसेसरी इट मस्ट बी अप्रोप्रिएटली शॉर्ट यानी कि ये नहीं कि अभी आपने खाया उसके बाद दो घंटे बाद खाने जा रहे हो ऐसा नहीं जब आप कंज्यूम कर रहे हो डिफरेंट यूनिट्स को तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी कि आपको तुरंत आधे घंटे के अंदर जो है सारी यूनिट को खत्म करना है तो इस तरीके से होना चाहिए ये नहीं कि आधे घंटे पहले खाया उसके बाद दो घंटे बाद फिर खा रहे हो तो ऐसा नहीं हो चाहिए यानी कि यहाँ पे ज्यादा आपको जो है कंटिन्यूटी होनी चाहिए कंजम्पशन में यहां पे कहने का मतलब यह है वहीं पे फोर्थ है द मेंटल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी यानी कि जो मेंटल कंडीशन है ऐसा नहीं कि वो नशे में हो एल्कोहल उसने पी रखा है तो उस केस में जो है वो सही से उसको जज नहीं किया जा सकता तो मेंटल कंडीशन नॉर्मल होना चाहिए इफ अ पर्सन इज ईटिंग एंड ऑल्सो ड्रिंकिंग एल्कोहल देन द यूटिलिटी पैटर्न विल नॉट बी सर्टेन तो उनके खाने का पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो जाता है वो खाते जाते हैं उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं जो फिफ्थ है दैट इज नो चेंज इन इनकम एंड प्राइस यानी कि उस ड्यूरेशन में कोई भी इनकम और प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए तो ये अजमस हो गए वहीं पे कुछ एक्सेप्शन हैं एक्सेप्शन कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर ये लॉ ऑफ डिम्रेसिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं होती है यानी कि ये एप्लीकेबल नहीं होती फेल हो जाती है वहां पर यह लॉ अब भाई जैसे सपोज कहें कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है या फिर किसी चीज़ की हॉबी है तो आपको वो जितना मिलेगा आपको उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी तो उस केस में लॉ ऑफ डिम्रेसिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो जाती है जैसे कि किसी को जो है कोई रेयर आइटम है या ओल्ड क्वाइंस हैं रेयर पेंटिंग है उसको इकट्ठा करने का शौक़ है तो उसको जितना मिलेगा रेयर चीज़ें उसको उतनी खुशी मिलेगी तो उस केस में ये लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिटी फेल हो जाती है हिन्स इट फेल इन केस ऑफ एडिक्शन और हॉबीज रेयर एंड वैल्यूएबल आइटम यानी कि किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन है किसी चीज़ की हॉबी है तो उस केस में उसकी जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्लाइन नहीं होगी बल्कि वो और इंक्रीज़ होगी रेयर एंड वैल्यूएबल आइटम कलेक्ट करने की जो है किसी को हॉबी है तो उस केस में उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो एडिशनल चीज़ें मिलने पर इंक्रीज होगी ना कि घटेगी तो यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन है एक्रिमिनेशन ऑफ मनी हो गया जितना ज़्यादा जिसके पास पैसा आएगा उतना सेटिस्फैक्शन उसका इंक्रीज़ होता जाएगा कलेक्शन ऑफ हॉबी आइटम लाइक स्टैम्प्स ओल्ड क्वाइन रेयर पेंडिंग एंड बुक्स तो अगर आपको ये हॉबी है ये शौक है आपका एडिक्शन है तो इस केस में फिर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज ही होगा बल्कि डिक्रीज़ नहीं होगा तो यहाँ पर जो है ये लॉ फेल हो जाता है तो लॉ ऑफ डिमिस्टिंग मार्जिनल यही कहता है कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट का अलग अलग यूनिट कंज्यूम करना इंक्रीज करोगे वैसे वैसे जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही होगी वो डिक्रीज करती है तो उसके कुछ एजेंशन थे और ये यहां पे कुछ एक्सेप्शन विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग